आपको पता होगा कि यदि आप एडवोकेट हैं और आप जज बनना चाहते हैं अलग अलग स्टेज पे, तो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि यदि आप लोअर जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल का प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होना जरूरी है। यदि आप डायरेक्ट हायर जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, डायरेक्ट एडीजे के रैंक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कम से कम 7 साल का प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी आप हायर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। कई ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट एलिवेशन की बात यदि की जाए हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा जाता है कि 10 साल का प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होना जरूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हम एलएलबी कंप्लीट किए और ज्वाइन कर लिए किसी बैंक को लीगल ऑफिसर के रूप में, किसी बैंक में SBI हो, PNB हो, NGC हो, एक्सेट्रा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, और हम लीगल काम ही वहां पे कर रहे हैं, जो उनके लीगल काम है वही कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या ये इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में मेरा काउंट होगा या नहीं होगा? लॉ इस पे बिल्कुल सेटल्ड है, एक नहीं देयर आर कटिना ऑफ जजमेंट्स व्हिच इज वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कि देखिए आपका प्रैक्टिस तभी काउंट होगा जब आप रेगुलर एडवोकेसी में होंगे। यदि आप फिक्स्ड पे रोल पे कहीं भी ज्वाइन कर लिया ना, वो प्रैक्टिस में काउंट नहीं होगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि यदि हम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो क्या काउंट होगा? इसमें एक केस है दीपक अग्रवाल का, वो क्लियर कहता है कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में ज्वाइन करते हैं जहां पे आप कोर्ट में ही काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में वो प्रैक्टिस काउंट होगा, ये एक्सेप्शन है इस केस में। तो भाई जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना है कि आपको यदि हायर जुडिशियल सर्विस देना है या फिर फॉर दैट मैटर लोअर जुडिशियल सर्विस ही देना है और आप ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को काउंट करने की बात करेंगे, तो ये जजमेंट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और यदि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तब तो काउंट होगा। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, चाहे आप लीगल काम ही क्यों ना कर रहे हों, कोर्ट क्यों ना जा रहे हों, फिर भी आपका प्रैक्टिस ईयर काउंट नहीं होगा। आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट करें।